दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस घंटी को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। नोटबंदी के बाद जब 500 का नया नोट लोगों के हाथों में आया था तो लोग बड़े ही गौर से नोटों को देखते थे। कई लोगों को डर लगता था कि कहीं ये नोट नकली न हों। धीरे धीरे 500 का नोट पुराना हो गया और जनता को भी तसल्ली हो गई। लेकिन 500 के नोट ने एक बार फिर कई लोगों के दिमाग में डर पैदा कर दिया है। इसकी वजह 500 के नोट से जुड़ा सोशल मीडिया पर वायरल होता एक मैसेज है। सोशल मीडिया पर 500 रुपए का एक नोट पहुंचा है जिसे नकली बताया जा रहा है। साथ ही असली और नकली नोटों को पहचानने का तरीका भी बताया जा रहा है। वायरल मैसेज में लिखा है, सभी लोगों से निवेदन है कि वो 500 रुपए का ऐसा कोई नोट न ले जिसमें RBI वाली तार महात्मा गांधी की फोटो के पास हो, क्योंकि ये नोट नकली बताए जा रहे हैं। इसलिए केवल वही नोट स्वीकार करें जिसमें RBI वाली तार गवर्नर के हस्ताक्षर को क्रॉस करती हुई जाए। इस मैसेज को देखने के बाद कई लोग हैरान परेशान हैं। मैसेज के मुताबिक सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हरे रंग का तार अगर महात्मा गांधी की तस्वीर के पास से गुजरती है तो नोट नकली है, और अगर हरे रंग की तार अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर के ऊपर से गुजरती है तो नोट असली है। लोगों में फैले डर और भ्रम को दूर करने के लिए हमने 500 रुपए के नोट की पड़ताल की। इसके लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 500 के नोट के बारे में जानकारी चेक की गई। वेबसाइट पर नोट को पहचानने के 12 तरीके बताए गए हैं, जिसमें से 5वें नंबर पर वो हरे रंग का तार है जिसके बारे में वायरल मैसेज में बताया गया है। वेबसाइट पर हरे रंग का तार ना गांधी जी के पास है ना गवर्नर के हस्ताक्षर के ऊपर बल्कि दोनों के बीच में है, और 5 नंबर पर लिखा है कि नोट को टेढ़ा करने पर सुरक्षा धागे का रंग हरे से नीले में बदलता है। RBI ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि सुरक्षा धागा नोट पर किस जगह है, और न ही ये लिखा है कि धागा उसके नकली या असली होने की पहचान होगा। नोट को पहचानने के लिए सुरक्षा धागा रंग बदल रहा है या नहीं उसे देखना होता है। इस तरह हरे रंग की लाइन गांधी जी की तस्वीर के पास है या गवर्नर के हस्ताक्षर के ऊपर, ये नोट की पहचान नहीं है। किसी भी नोट की गड्डी में तार का स्थान समान नहीं होता। इससे पता चलता है कि ऐसे दोनों ही नोट असली हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।